हेलो दोस्तों, मैशले मैजिकन मसल्स एपिसोड 25 में आपका स्वागत है। इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इनोसेंट जीरो अपने अजीब से क्रिचर्स के साथ हमला करता है, वो अपने बेटे मैश को ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ सेलवर और मैश अब आमने सामने। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है मैश, लेंस और मैक सब सारे क्रिचर्स से लड़ रहे होते हैं, पर वो जितना लड़ते हैं उतना क्रीचर्स बढ़ने लगता है। ये देख के डॉट कहता है, और कितना इन सबको रोके, ये सब तो बढ़ते ही जा रहा है। तभी वो अपने पीछे एक बेबी कार में बेबी को देखता है, और वो देख के सोचने लगता है एक बेबी इस लड़ाई के मैदान में आखिर क्या कर रहा है। पर वहां पे जाते ही एक मैजिक का स्पेल कास्ट होता है, और तभी हम देखते हैं डॉट एक बच्चे में बदल जाता है। एक बच्चा जैसे बात करता है, गागू वैसे बात करने लगता है। डॉट को देखते वो समझ नहीं पाता आखिर क्या चल रहा है, वो बच्चा क्यों बन गया है। पर तभी हम देखते हैं पीछे से एक अजीब से आदमी आता है, जो कि द सिक्स क्रिमिनल केन्स में से एक है। उसका नाम है सीटर बेबी, और ये सिक्स केन्स इनोसेंट जीरो के डेथ रो का मेंबर है। वो डॉट को ऐसे देख के हंसते हंसते कहने लगता है, मेरी मैजिक किसी को भी बच्चा बना दे सकता है और उसके पास से सारा पावर खींच ले सकता है। वो डॉट से कहता है, मेरी मैजिक ऐसा मैजिक है जो तुमको सिर्फ बच्चा ही नहीं बनाता, तुम्हारे पावर को भी 10% करके रख देता है। डॉट भी बच्चे की आवाज़ में कहने लगता है, बच्चा रुको रुको हम अभी दिखाते हैं तुम्हें, और वो उस पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं उसका अटैक एक फुसकी बम जैसा निकलता है। खुद की मैजिक को इतना कमजोर होते हुए देख के डॉट भागते भागते सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे तो मैं यहाँ पे इन सब के बीच जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे ढूंढना होगा, लेंस को ढूंढना होगा, वही मेरी मदद कर सकता है। तभी वो अपने सामने लेंस को देखकर दौड़ के उसके पास जाता है। दूसरी तरफ हम लेंस को देखते हैं, वो अपने सामने इस छोटे से डॉट को देख के सोचने लगता है, क्या एक बच्चा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, अभी ये मजाक करने की टाइम है कोई। पर तभी देखते हैं उन पर अटैक होता है, और वो डॉट को लेके बाहर से भागते हुए सोचता है, क्या ये कोई मैजिक है, इसकी वजह से ये बेबी बन गया है, पर जो भी हो। और डॉट की चेहरा देखकर वो कहता है, बच्चा होकर भी ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। भाई एक बच्चे को देख के ये क्या कहता है यार, कौन कहता है ऐसे। दूसरी तरफ सारे क्रीचर्स भी उन पर अटैक कर देते हैं। उन सबको मारते हुए लेंस कहने लगता है, अब मुझे ये मत कहना कि इन सब से लड़ते हुए मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। तभी वहाँ पे हम एक खिलौना जैसा कुछ को देखते हैं। डॉट उसे देख के खुद को रोक नहीं पाता और उससे खेलने लगता है। तभी वहाँ पे और एक मैजिक होता है, और हम देखते हैं डॉट के साथ साथ अब लेंस भी एक बच्चा बन चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। लेंस कहता है, चुप रहो, तुम चुप रहो, कोई भी बात मत करो, दोनों बच्चे की तरह बात करने लगते हैं। पर तभी देखते हैं वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो दोनों थोड़ा सा दूर जाके गिरते हैं। डॉट फिर से उस खिलौने से खेलते हुए कहता है, मेरा बेबी इंस्टिंक्ट खिलौना सामने होने पर खुद को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। तभी देखते हैं उनके पीछे से सीटर बेबी आता है, और उन्हें देख के हंसते हंसते कहने लगता है, मैंने जब अपना स्पेल कास्ट किया था तभी तुम्हारा हार पक्का हो गया था, तुम दोनों अब कभी भी जीत नहीं सकते। फिर क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है, इतना ज्यादा मजा आता है किसी वन साइडेड पावरलेस बच्चे के साथ लड़के जिनके पास कोई पावर ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो अपने साथ सारे क्रीचर्स के साथ उन पर हमला करने के लिए कहता है। पर दूसरी तरफ हम लेंस को देखते हैं, वो अपना ग्रेवी रोल मैजिक का यूज करता है। अभी भी उसके बच्चे होने पर भी ये मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था, वहां पे जितने भी सारे क्रीचर्स और सिटर बेबी सब कोई जमीन के साथ पूरी तरह से चिपक जाता है, उनके नाक मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख के सिटर बेबी सोचने लगता है, क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो उसको बच्चा बना दिया था, कोई बच्चा इतना ताकतवर नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ डॉट को देखते हैं, बच्चा होने पर भी वो उसकी पावर्स देख के बहुत ज्यादा शॉक होता है, और कहने लगता है, लेंस क्राउन अपने छोटे से एज में भी इतने पावरफुल थे, ऐसे ही तुम हमारे क्लास के टॉपर नहीं हो। दूसरी तरफ कालो को देखते हैं, वो सारे क्रिएचर्स से लड़ रहा था, वो भी ये देख के कहता है, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के बच्चे से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, हम जानते ही है वो अपने एज के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी लेंस को देखते हैं, वो बच्चा होकर भी बहुत ही सीरियस होकर कहता है, अगर तुमने कहा था ये मुकाबला वन साइडेड है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। और तभी देखते हैं वो और डॉट नॉर्मल हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है, हम किसी दूर आसमान में देखते हैं रियो और नीरोय। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रियो और नीरोय आसमान में झाड़ू में उड़ रहे होते हैं, और नीरोय पूछता है, आखिर मिस्टर वेलबर्ग और इनोसेंट जीरो के बीच में रिलेशन क्या है। रियो एक्सप्लेन करने लगता है, अभी हम जिस दुनिया जिस सोसाइटी में हैं, ये सोसाइटी एक ग्रेट मैजिशियन ने अपने हाथों से बनाया था, यहाँ तक कि उसका डार्क मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके सामने आज हम जिसे जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, उनमें से कोई भी नहीं टिक सकता था। उसी ने ठीक किया था एक डिवाइन विजनरी कैसा होता है,
कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि इनोसेंट जीरो और मिस्टर वेलबाग उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट छात्रों में से है। ये सुन के नीरा कहता है, तब तो मिस्टर वेलबाग और इनोसेंट जीरो इक्वली पावरफुल होंगे ना। ये सुन के रियो कहता है, हाँ हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, पर इनोसेंट जीरो ने अचानक हमला किया, मतलब उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो और वेलबाग को देखते हैं। इनोसेंट जीरो हंसते हंसते कहता है, वेलबाग मुझे देखकर खुश नहीं हो? ये कहते कहते वो अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं वो बिल्कुल फेसलेस था, उसके मुंह पर कुछ भी नहीं था, लिटरली आप देख सकते हो इस पैनल पे। ये देख के जैसे हम शॉक होते हैं, वैसे मिस्टर वेलबाग भी शॉक हो जाते हैं। और तभी वो कहने लगता है, क्या क्या देख रहे हो? हम देखते हैं उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानों जैसा बनने लगता है। और तभी वो अपना मास्क को फिर से लगाता है और कहता है, क्या लगता है तुम्हें, अब मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ? पर वेलबाग को देखते हैं, वो पूरी तरह से चौंक चुके हैं। उनके चेहरे पर हम देख सकते हैं वो कितना ज्यादा शॉक है। वो बस इतना कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम अपनी ह्यूमैनिटी भूल चुके हो, तुम अब एक इंसान नहीं हो। इनोसेंट जीरो हंसते हंसते कहने लगता है, क्या बात कर रहे हो, मैं एक इंसान से ज्यादा इंसान हूँ, मतलब एक इंसान जितना इंसान है उससे भी ज्यादा इंसान हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा चाहत है सब कुछ की, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन को होना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा। जैसे कि देखो ना, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, हमेशा ऐसा रहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, अभी यहाँ पे इसी वजह से मैं मैश को लेने आया हूँ, और उससे भी बड़ी, यहाँ पे मैं तुमको मारने आया हूँ वेलबाग। तभी वो अपना स्पेल कास्ट करता है, टाइम्स द लिविंग डेड। ऐसे ही मिस्टर वेलबाग चौंके हुए थे, इस स्पेल को देखकर और भी ज्यादा चौंकते हैं और कहने लगते हैं, क्या ये स्पेल तो फॉरबिडन स्पेल है। और बस आप उस स्पेल को देखो, उसमें इतना सारा डिटेल्स है, इतना सब कुछ है, बस अब देखो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से सेल को देखते हैं, उसका चेहरा पूरा गुस्से से भर चुका है। गुस्से में वो मैश को कहने लगता है, क्या सच में तुम मुझे भूल गए? दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, वो अब बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। वो बस कहने लगता है, I am sorry। और हमको उसका विजन दिखाया जाता है, वो एक्चुअली सेल को कैसे देख रहा है, वो उसे चलता फिरता क्रीम पफ देख रहा है। सोचो यार बंदे की क्रीम पफ के लिए प्यार कितना ज्यादा है, काश ऐसे हमारी छोड़ो। दूसरी तरफ सेल खुद को अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके जैसा पावरफुल को कोई अगर भूल जाए तो सोचो, उससे ऐसे ही खुद पर इतना ज्यादा घमंड है। और फिर देखते हैं वो उसे कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अटैक कर देता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉट लड़ते लड़ते उन दोनों को ऐसे देख रहा था और सोच रहा था, काश मैच इस बार ठीक ठाक बच जाए, पिछली बार तो एबेल के डॉल उसके सामने आ गया था इसलिए बच गया था, पर इस बार क्या करेगा। दूसरी तरफ सेल को दिखाया जाता है, वो किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और कहने लगता है, क्या वो सच में मेरी मैजिक के ऊपर दौड़ रहा है? और लिटरली हम मैश को देखते हैं, बंदा सेल के मैजिक के ऊपर दौड़ और उड़ दोनों रहा है। भाई लिटरली ये बंदा क्या चीज क्या है भाई। कुछ देर ऐसे चलने के बाद हम देखते हैं वो नीचे आके सेल को एक जोर से मुक्का मारता है, वो हीट इतना ज्यादा था कि सेल जैसा आदमी भी भाई हिलता भी नहीं है यह बंदा, पर इस हीट के वजह से वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं वो अपने गाल को भी पकड़ा हुआ है, मैश की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, पर कैसे पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, वो मेरे अटैक को डॉच भी नहीं कर पाया था, पर इस बार क्या हुआ। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, वो कहने लगता है, अब याद आ गए हो तुम मुझे और तुम्हारी ट्रिक, अब मुझे पता है तुम कैसे लड़ते हो, तुम्हारी वैसा फालतू ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। सेल को देखते हैं वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने गालों पे हाथ लगाकर बस उसे देखता रहता है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, स्टोरी बाकी है, देखते रहिए, जल्दी लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए।